शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 स्लाइस ब्रेड लिया है, जिसे मैं बीच से इस तरह से कट करूँगी। शाही टुकड़े को मैं सेक कर बनाऊँगी, इसे मैं डीप फ्राई करके नहीं बनाऊँगी। अब मैं इसके ऊपर शुद्ध घी लगाऊँगी इस तरह से। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड में भी घी लगा देंगे। आंच को बिल्कुल मिनिमम पे रखना है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी टोस्ट को बना सकते हैं। चाशनी के लिए मैंने सॉस पैन में 1 कप पानी लिया है और इसमें मैं 1 कप चीनी डालूंगी ताकि इसका चाशनी अच्छी तरह से बन जाए। ब्रेड हमारा अच्छी तरह से सिक गया है, आप देख सकते हैं। मैंने आंच को बिल्कुल मिनिमम पे रखा है। ये धीरे धीरे अच्छी तरह से टोस्ट की तरह बन जाएगा। चाशनी भी हमारा बन रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी। अब देख सकते हैं अभी ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। चाशनी हमारा अच्छी तरह से बन गया है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस को इस तरह का होना चाहिए ताकि ये ब्रेड में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। ब्रेड हमारा अच्छी तरह से बन गया है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे इसी तरह हम 10 मिनट्स के लिए रखेंगे, छोड़ देंगे तवे के ऊपर ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जो है क्रिस्पीनेस आ जाए। आप देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी हो गया है। ब्रेड हमारा तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीनी की चाशनी डालेंगे इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर मिल्क मेड यूज़ करूँगी। मिल्क मेड आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से हम मिल्क मेड इसके ऊपर लगाएंगे। मैंने इसके ऊपर मिल्क मेड लगा दिया अच्छी तरह से। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूंगी, आलमंड और पिस्ता, इसे इस तरह से डालूंगी ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा लगे। हमारा शाही टुकड़ा बनके तैयार है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।